हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है, हम सब भी खैरियत से। तो चलें आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो बस अभी काम वगैरह कर लिया था, तो कल मैंने अदील भाई से रिक्वेस्ट की थी व्लॉग में, तो देखें आज वो आ गए और उन्होंने चेक किया है। तो बस आज नुकसान ही होगा समझे, बैठे बैठाए हमारा इतना ज़्यादा कि बैटरी जो है बिल्कुल ख़राब हो गई है। और अभी देखें इस्तेमाल के दिन आए हैं, इस घर में तो हमने इस्तेमाल भी नहीं करी। पहले करते थे तो कूलर भरा चलता था, इस घर में तो कूलर रखने की भी जगह नहीं है। और उन्होंने सारा चेक भरा करा है, अभी वो गए हैं तो उसी में ही लगे हुए थे। बस मुझे बड़ी टेंशन हो गई है, बस मूड ही ऑफ हो गया सुन के कि ये अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ ऐसे लिए हुए, और इतनी महंगी चीज़ है और देखे ख़राब हो गई, और उसको बनने की भी कोई वो नहीं रहा, क्योंकि इसको बनाना भी बेफजूल है। वो कह रहे थे कि ये इसको सेल करके नहीं ले लें, तो नहीं तो आजकल जो सीज़न आ गया आपको पता है गर्मी गर्मी में चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो इस वजह से इसकी जो रेट है वो ज़्यादा हाई है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये इन्होंने उतार के रखी है, ये वाली हमारी बैटरी थी तो ये हो गई है ख़राब। इसको उतार दिया, ऊपर से इसका चार्जर भी, पहले हम लोगों ने चार्जर ठीक कराया था, हम समझे चार्जर वैसे ख़राब ही था, तो दोबारा ये गर्म हो गई थी तो हम लोगों ने इसको बंद करके रख दिया था कि हमने कहा चले वो आएंगे तो वो देख लेंगे। तो वो आ जाए भाई अदील, तो उसने देखा है, क्योंकि ज़ाहिर है जिसका काम उसी को पता होता है। अब जैसे गैस का काम है वो ये करते हैं, तो इनको गैस के हर काम के बारे में पता होता है। तो ये कि अदील हमारे अपने ही हैं तो उसे पता है हर चीज़ों का, बिजली का काम वो करते हैं, तो पहले भी ये सब कुछ वो सेटअप उन्होंने हमें करके दिया था। तो अभी जो भी इस घर में दोबारा आए, इस घर में जो पहले वाले घर में किया था सारा, तो उसमें हम कूलर वगैरह भी लगाते थे गर्मियों में, तो हमें बड़ा फ़ायदा था उसका। तो अभी इधर तो जगह ही नहीं थी तो हम लोग नहीं लगा सकते, तो लेकिन जब यहाँ आए तो जब भी उसी ने बेचारे ने हमें करके दिया। लेकिन इसका ज़ाहिर है लाइटें जल रही थी, और तो पंखे वगैरह तो हमारे पास AC DC नहीं है, तो सिर्फ लाइटें इस्तेमाल होती थी, तो उस वजह से इसको चार्ज कुछ ज़्यादा ओवर हो रहा था कुछ हो गया। तो अब ये जो हो गई बिल्कुल ख़त्म हो गई ना? हाँ वो यही कह रहे थे कि कह रहे आप लोगों का इतना इस्तेमाल तो है नहीं, तो ज़ाहिर है एक चीज़ का इस्तेमाल ना, तो वो बैठे बैठाए देखे नुकसान हो गया। अभी अभी कुछ दिल भी नहीं कर रहा था करने को, मेरा ऐसे मूड ऑफ हो गया, लेकिन व्लॉग तो बनाना है, क्या करें, ये तो हमारी ड्यूटी है, ये तो आप लोगों के साथ भी हम लोगों ने हर बात शेयर करनी होती है। तो मैंने कहा चलें, पंखा मैंने अभी बंद किया, मिकी पहाड़ा, मिकी गर्मी लग रही है, गर्मी कैसी हो गई है, ये बैठा हुआ मिकी, ये देखे हेलो करो मिकी, हेलो, हाथ से नहीं होता इंसान मुँह से ही बोलो हेलो व्यूवर्स जी। मिकी को लगता है शर्म आ गई, मिकी बैठा अपना काम कर रहा है। इनके तो खैर अभी एग्जाम्स नहीं होंगे फर्स्ट टर्म, और जो प्रोग्रेस टेस्ट है वो छुट्टियों के बाद होंगे, लेकिन जो दूसरी बच्चियाँ आती हैं उनके हैं अभी एग्जाम्स भी हैं, उनकी भी डेट शीट आ गई है। अभी मेरी बेटी की डेट शीट नहीं आई, क्योंकि उसके भी फाइनल एग्जाम है फर्स्ट ईयर के। तो बस बिजी 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 जा रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, अब मसरूफियात बढ़ती जा रही हैं अभी, और बैठे बैठाई ये जो हमारे लिए टेंशन बन गई है तो समझो बहुत ज़्यादा ही हो गई है। कि अभी आपको पता है घर छोटा है, तंग है, ये कि इधर लाइट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जा रही है, तो इससे लाइट वाइट जल जाती थी, लेकिन अब वो भी गई है और बस मुश्किल हो गई। अब देखें क्या करते हैं, बस सब ये लगे उसको साफ वगैरह कर रहे हैं, तो करके तो रख देंगे, फिर उसको देखेंगे जब होगा तो भी सेल आउट करेंगे, और आगे की जो जो रूटीन है फिर वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। तो व्यूअर्स, काम मेरा कर लिया था, तो वो जो लड़की को भी पढ़ा लिया, साथ साथ बेटी भी आ गई, बच्चों को पढ़ा, तो फारे हुए भी अपनी संध्या बत्ती करी है शाम की, तो लाइट गई भी टेलीविजन, वो तो अपने टाइम से टाइम जा ही रही है। बस अभी खाना बना रही, मैंने आलू की सब्ज़ी रखी है बनने के लिए, ये मेरे घर की आँच पे छोड़ दी, तो पहले मैं संध्या करने चली गई थी, आज मंडे है, तो संध्या करके भी फारे हुए, सारे फ्रेश हुए, काम वाम करके अभी सब काम कर लिया। यही मसला बना हुआ है बाहर, बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं ना, इतना ज़्यादा शोर, क्योंकि गर्मी है, सर्दियों में तो इतना ज़्यादा बाहर बच्चे दोपहर में निकलते हैं, शाम में नहीं निकलते, लेकिन अभी जिस टाइम धूप पड़ती है ना, सारे बच्चे गली में निकल आते हैं और जो है ना शोर शार मचाने और खेलने कूदने, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, बस लगे हुए हैं बच्चे अपने अपने कामों में। मैं भी मैंने कहा चले लाइट का क्या इंतज़ार करती, खाना बना लेती हूँ, जब फिर देखती हूँ जल्दी से आटा गूंदा रोटी भी बना लूँगी, आज फिर आलू की सब्ज़ी बनाई हुई है। मैंने कहा चले क्या करें, मंडे को यही होता ना, दाल बना, कल दाल खा ली थी तो आज क्या बनेगा। भी आप लोगों के साथ लाइट आ जाए तो सूट भी शेयर करती हूँ, लेकिन बाजी की बेटी ने मुझे दिया बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा सूट है, बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया मुझे, तो मैंने कहा था आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन ले रहा अभी तो मैं नहीं करूँगी, जब लाइट आ गई देखिए लाइट कब आती तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं ज़बरदस्ती आलू की सब्ज़ी, बस इसमें भी थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी, गरम मसाला डालूंगी, और ये रेडी, सिर्फ नमक मेरे हल्दी में बनाई है मैंने, कोई मसाले इसमें नहीं डाले, देख सकते हैं इसकी देखें सब्ज़ मिर्ची नहीं डालनी, बस ये हो जाए तो फिर मैं जल्दी से रोटी भी बना लेती हूँ। टॉर्च मैंने वही अपना जो है छोटा मोबाइल रखा हुआ ऊपर,
उसी की रोशनी में सारा काम हो रहा है, क्या करें। अब ये बैटरी तो देखें बैठे बैठे हमारे लिए मसला ही बन गया है, आगे इतनी ज़्यादा परसेंट लोड शेडिंग भी है, वैसे भी ये हो जाता फिर मैं लाइट आती तो आपके साथ सूट शेयर करती हूँ। सब्जी हो गई है, मैंने थोड़ी मेथी डाली है, गरम मसाला डाल दूँगी, खुशबू बहुत अच्छी लगती है। उसका करूँगी चूल्हा बंद क्योंकि हो गई रेडी, सिलेंडर काफ़ी गर्म हो रहा है, जिसको मैंने आपसे आँच पे करके मैं संध्या करने चली गई थी, अभी काफ़ी गर्म हो रहा है, तो ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं जल्दी से रोटी भी बना लेती हूँ जी। तो मैंने कहा चले लाइट आई सबसे पहले आप लोगों के साथ सूट शेयर कर देती हूँ। ये देखिए अलगरम का सूट है, ये इसकी कमीज है, इसका बॉर्डर है, और ये इसका दुपट्टा है, प्लेन उसकी ट्राउज़र, बहुत प्यारा कलर है। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जल्दी से फिर खाना तो तैयार हो गया, रोटी बनाती हूँ क्योंकि गर्मी में कुछ पता नहीं होता कि किस टाइम लाइट दोबारा चली जाए। और अभी मैंने पंखा भी बंद करके वीडियो बना रही हूँ कि पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती, तेज़ हो गई आवाज़। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है, कितना प्यारा कलर है। ये तो रोटी मैंने जल्दी से बना ली, थोड़ी रोटी बनी है क्योंकि अभी दोपहर को आज मैंने चावल बना लिए थे, तो वो बस आज दिन को खा लो तो फिर रात का तो कुछ भूख नहीं लगती, क्योंकि आज मैंने हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया, नाश्ता सिर्फ इनको बना के दिया था, हम लोगों ने बस दिल करा था उनके, लेट हो गए थे रात को, कुछ एलर्जी की थोड़ा सा सीरप पी गया था, और फिर बाजी के यहाँ से भी लेट आए थे, फिर बैठे कुछ ऐसी बातें वहाँ वहाँ छिड़ गई थी अपनी पुरानी बातें, जो हमारी नई नई शादी लाइफ में जो हमारे साथ गुजरा, जो जो बस वो कहते ना इंसान के जख्म ताज़ा हो गए थे। तो बैठे हैं, फिर रात को आए, नींद भी नहीं आई, सुबह आँख नहीं खुली, तो फिर देर हो गई थी, तो फिर मैंने कहा कि बेटी कहती मम्मा पराठा खाने को दिल नहीं करा, चावल बना लेते, सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ था, फिर वही सालन और आलू डाल के मैंने चावल बना दिए, दोपहर को वो खा लिए, तो अभी रोटी का किसी का भी दिल नहीं कर रहा था। बेटे से भी पूछा तो उसने भी कहा मम्मा मेरी एक रोटी डालना, बस मैंने जल्दी से दो चार रोटियाँ थी वो बनाई, सब्जी तो तैयार हो गई थी, मैंने कहा तुमने सलाद बना ली, जिससे ज़रा कि रोटी खाई जाती है। अब ये मेरे पीछे पड़े हुए कि मम्मा वो मौसी के यहाँ कल देख कर आए सिरके वाला चार, तो आप भी डालो आप भी डालो, मैं भी पहले डालती थी, लेकिन अब यहाँ मसला है ना कि हमें बाहर रखना पड़ेगा, धूप में रखना पड़ता है, तो फिर उसके लिए सास उसकी चौकीदारी भी देनी पड़ेगी। पहले तो सैन मैन होते थे, छत होती तो चिल उधर रखते थे, तो बाजी का तो ये कि थोड़ा सा सैन है तो वहाँ धूप में रख देती तो, लेकिन फिर भी बच्चे अब कह रहे हैं बच्चों को, क्योंकि गर्मियों में ना इंसान वैसे भी रोटी नहीं दिल करता खाने के साथ, अचार हो ये चीज़ें हो ना, तो फिर बच्चों को भूख भी लगती है और जल्दी जल्दी हजम भी हो जाता है खाना। तो फिर मैं कल आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी, सिक्के का अचार झटपट बन जाकर। और आज मैंने खीरे इसी तरह कच्चे खीरे ना, तो मैंने इसके छिलके नहीं उतारे, बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से हैं, तो कल आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी, अभी आपको देखने के भी आज हमारा बैठे बैठाए जो नुकसान हो गया तो कितना होगा तकरीबन ये नुकसान, चार्जर भी अभी हमने दोबारा ठीक करवाया था, सभी कुछ खत्म हो गया ना, जाया हो गया, अब ये तो हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो और हमारा तो कूलर भी था इसके साथ, कूलर तो हमने इस घर में आए तो लगाया ही नहीं क्योंकि इसको कूलर भी चलता है, तो कूलर तो वो भी समझो एक तरह से जाया ही हो गया, कूलर वूलर लगा कर मुझे 20,000 से ऊपर का ही हमारा नुकसान, 20,000 तक का हो गया बैठे बैठे। वही कहते ना गरीब इंसान का जो है वो आटा छीला होने वाली कहानी हो गई आज हम लोगों के साथ, उतने परेशानी, बच्चे भी खफे हैं क्योंकि बच्चे ट्यूशन पढ़ने भी आते हैं, लाइट जाए तो लंबी लंबी लाइट चली जाती, दो दो घंटे घंटे के लिए चली जाती तो फिर डिस्टर्ब होते, अभी उस टाइम बच्चे पढ़ रहे थे, फिर कह रहे थे कि हमने रोशनी इधर से इतनी ज़्यादा रोशनी तो नहीं आती, शाम में जब सूरज पर लड़ जाए तो फिर तो इतनी रोशनी नहीं होती है, तो अगर क्या करें मजबूरी, अब देखेंगे। मैंने तो निमाना कर दी, मैंने कहा नहीं बस मत लगाओ, मैंने कहा अभी ये बस बहुत हो गया, अभी इतना नुकसान तो ये हो गया, अभी हम इसको ठीक करा रहे हैं, उसको कितना पैसा लगेगा, दूसरा लो तो फिर तो बहुत ही वो तो हमारे अफोर्ड से बाहर है। मैंने कहा कि बस अभी इस घर में नहीं लगा था, तो हम घर चेंज करेंगे, फिर सारा सेटअप दोबारा से लगाएंगे, अब करने का कोई फायदा नहीं है, घर भी चेंज करना कोई आसान काम तो नहीं है ना, देखो एडवांस होता है, फिर किराए उनके ज्यादा है, अब तो यहाँ मजबूरी में इसलिए आ गए थे, इतने छोटे से घर में किराया कम था, लेकिन इस घर में आवाज नहीं आएगी नुकसान तवान हो गया है, सब चीजें जाया हो गई ना, किस काम की लाइट जाती है तो अंधेरा ही होता है पूरे घर के अंदर, मोबाइल की लाइट भी कब तक इंसान चलाएगा ना, और मोबाइल तो आगे मेरा इतना ज़्यादा वो ऑटोमेटिक है आजकल, ही गर्म मोबाइल भी गर्म होने शुरू हो गया, इसलिए मैं यही कह रही, मैंने कही ये एक चीज़ होते होते दूसरी चीज़ दूसरी से तीसरी चीज़ इस तरह हो रही है, अब देखें क्या होता है, अब
बस आप लोग भी दुआ करें कि जल्द से जल्द हमारा ये चैनल है ग्रो करे, तो कुछ हमारे हालात भी बेहतर हों। और जो मेरे नए बहन भाई आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो बस यही है कि भी देखें क्या करते हैं। मैंने तो वैसे इनको मना कर, क्या आप क्या कहते हो कि नहीं लगवाएं? तो लगाने के लिए क्या इस पे इतना हजारों रुपए फिर खर्चा करें, दूसरी बैटरी ले, फिर चार्जर ले उसका, फिर सारी लाइटिंग दोबारा से, और फिर इस घर के अंदर कोई इतना। अभी आप लोगों के सामने में कुछ दिन ही हुए कि चार्जर ये ठीक करवा के लाए, तो चलो कुछ दिन हमारी लाइट सही चली, फिर उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम मच रही है। बस अभी मैंने कहा कि छोड़ दे, रहने दे, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। इधर की फिटिंग भी इस तरह की ना कि सिर्फ कमरे में भी एक ही बल्ब जलता है, दूसरे बल्ब को जो होल्डर हो शुरू से जब से हम इस घर में है वो खराब ही है। मैंने तो नहीं कहा बस अब रहने थे कुछ नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल परेशानी की जो बात है ना, वो सबसे मुश्किल परेशानी की बात यही है कि हम लोग रहते हैं यहाँ पे कम्बाइंड, मतलब हमारे साथ दूसरे किराएदार भी है, तो उनका बिजली गैस का बिल भी हमारे साथ ही या हमारा उनके साथ है। उनका यूज़ इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, घर उनका बड़ा है, दो पंखे एट अ टाइम चल रहे होते हैं, LED उनकी है वो चल रही होती है, और अपना वो मशीन जब कपड़े धोने की माशाल्लाह लगाते हैं तो खुदा खैर ही करे, जो सुबह की लगती है तो रात तक लगी होती है। तो हम लोग अपने लिए भी क्या कर सकते हैं, मतलब वो सेपरेट नहीं है ना, कोई सेपरेट घर अलग मिल जाएगा ना तो फिर बात बनती है, वरना अदरवाइज़ इनके साथ रहते हुए हम लोगों को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। इवन के पानी तक हम लोग इन लोगों से नहीं भरते, आप लोगों ने देखा होगा मैं बाहर से भर रहा था पानी, जब इनसे पानी का पाइप मांगते थे, पानी का पाइप जब इनसे मांगो तो ये देते ही नहीं थे, आखिरी टाइम पे देते थे एक बाल्टी भरी बंद हो जाए, मतलब परेशानी है बहुत है। बस ये आज की बस थोड़ी सी वीडियो सैड सी बनी है, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी कि हम अपनी जब खुशी की बात शेयर करते हैं तो ये बात भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फैमिली मेंबर से भाई यही होता है, देखिए फैमिली चैनल है हमारा, तो हम अपनी फैमिली के साथ ही अपनी बातें सारी डिस्कस करेंगे ना। फिर कल आपसे मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना रखिएगा ख्याल और हमारे रखिएगा मैं अपनी दुआओं में याद। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।